भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए तो हिंदुस्तान में नया राजनीतिक अखाड़ा खुल गया। सुनक के बहाने हिंदू मुसलमान पर एक नई बहस शुरू हो गई और इस नई जुबानी जंग में ओवैसी भी कूद पड़े हैं। और ओवैसी ने अब कहा है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर एक दिन हिजाब पहने एक बेटी जरूर बैठेगी। मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी है। ऋषि सुनक की ताजपोशी में सियासत का सुनहरा अवसर तलाशने वाली जमात में अब असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी जुड़ गया है। महबूबा थरूर और चिदम्बरम ने जमीन तैयार की और ओवैसी उस जमीन पर राजनीतिक फसल उगाने उतर आए। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बोले। मैं तो बोला हूँ ये बात। तो सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर सबने अपनी अपनी सियासी लाइन ले ली। कांग्रेस को सोनिया गांधी के साथ सुनक याद आने लगा कि कैसे सोनिया गांधी को विदेशी बताकर सवाल उठाए गए, तो महबूबा मुफ्ती अल्पसंख्यक वाला एंगल सामने ले आई और अब ओबीसी ने हिजाब वाली हसरत फिर बयां कर दी। कुल मिलाकर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। तो आज का दिन राजनीतिक विवाद का नहीं होना चाहिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। लेकिन जो लोग इस सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, एपीजे कलाम कौन थे आप मुझे बताइए? योग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति अटल जी ने बनाया था। रामनाथ कोविंद जी बहुत योग्य दलित समाज के नेता, किसने राष्ट्रपति बनाया था? लोकतंत्र सबको अवसर देता है, तो आज के दिन सबों को एक स्वर में बात करना चाहिए, मैं अपेक्षा करूंगा। और कांग्रेस के नेताओं को भी कहूंगा कि आगे बहुत चुनाव है। हमारे देश में जाकिर हुसैन साहब पहले राष्ट्रपति बने 1967 में, हमारे देश में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने, हमारे देश में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। जो कहा है उनकी टिप्पणी नहीं करूंगा और मैंने देखा भी नहीं है उन्होंने क्या कहा। हमें किसी और देश से सबक सीखने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश पीएम के रूप में ऋषि सुनक की ताजपोशी हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की खबर है, लेकिन गर्व के इस पल पर देश में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कुछ ट्वीट पर गौर कीजिए। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, ब्रिटेन ने जहां अल्पसंख्यक को पीएम बनाया, हम अब भी एनआरसी सीएए जैसे भेदभाव वाले कानूनों में फंसे हैं। महबूबा मुफ्ती ने जो कहा वैसा ही कुछ कुछ कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट किया, ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को पीएम बनाकर वो किया है जो दुनिया में शायद ही होता है, क्या ये यहाँ हो सकता है? जो राग शशि थरूर ने अलापा उसी सुर को आगे बढ़ाया कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने, लिखा, पहले कमला हैरिस और अब ऋषि सुनक। अमेरिका ब्रिटेन ने अपने देश के गैर बहुसंख्यक को सरकार में उच्च पदों पर बिठाया, ये भारत और बहुसंख्यकवाद अपनाने वाली पार्टियों के लिए एक सबक है। ब्रिटेन में नई शुरुआत हो रही है, इतिहास का नया अध्याय लिखा जा रहा है, लेकिन ये अध्याय भारत के लिए कितना सुकून देने वाला होगा ये भविष्य के हवाले है। ऋषि सुनक अपने मुल्क से वादा कर रहे हैं कि जो गलती लिज ट्रस्ट ने कर दी वो उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. तो सवाल ये है कि क्या सुनक की विदेश नीति लिज ट्रस से अलग होगी? जानकारों की राय में ऋषि सुनक का भारत से चाहे जो नाता हो, लेकिन लिज ट्रस की नीति भारत के हितों के ज्यादा करीब थी। और फिर सुनक कैबिनेट में भारतीय मूल की एक और मंत्री सुएला ब्रेवरमैन भी हैं, जो भारत से कारोबार और बढ़ाने के खिलाफ रही हैं। सुएला को सुनक ने फिर से होम सेक्रेटरी बना दिया है, इसलिए सुनक को पीएम बनाने पर अच्छे दिनों के सपने देखना फिलहाल जल्दबाजी होगी। दिल्ली में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद हर भारतीय गर्व
और फख्र महसूस कर रहा है। सुनक प्रधानमंत्री की शपथ 28 अक्टूबर को लेंगे और 29 अक्टूबर को नई कैबिनेट का गठन होगा। ऋषि सुनक की इस नई पारी पर भारत की भी नजर रहेगी क्योंकि सुनक से अपेक्षाएं बहुत हैं। इट इज द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज ऑफ माय लाइफ टू बी एबल टू सर्व द पार्टी आई लव। समय का चक्र कैसे घूमता है इसकी वानगी देखिए। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने और वो भी दिवाली के दिन। 210 साल बाद ब्रिटेन को सबसे कम उम्र का पीएम मिला है। साल 1812 में 42 साल के रॉबर्ट जेनकिंसन ने ये पद संभाला था। 2010 में 43 साल के डेविड कैमरून प्रधानमंत्री बने थे और 2022 में 42 साल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद हर भारतीय गर्व और फख्र महसूस कर रहा है क्योंकि कभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत की आजादी के विरोध में बहुत बड़े बोल बोले थे। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अगर भारत को आजाद किया गया तो सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। सभी भारतीय नेता बहुत ही कमजोर भूसे के पुतले जैसे होंगे। और अब संकट से जूझते ब्रिटेन को भारतीय मूल के सुनक में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। दिवाली के दिन यानी सोमवार को कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को नेता चुना और मंगलवार को किंग चार्ल्स तृतीय ने सुनक को प्रधानमंत्री पद का अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और ऋषि सुनक आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। And I wish Rishi Sunak every success for the good of our country. I want to thank you, Francis Liberty, my family and friends, and all the team at Number 10 for their love, friendship, and support. I also want to thank my protection team. I look forward to spending more time in my constituency and continuing to serve South West Norfolk from the backbenches. Our country continues to battle through a storm, but I believe in Britain. I believe in the British people, and I know that brighter days lie ahead. सुनक प्रधानमंत्री की शपथ 28 अक्टूबर को लेंगे। 29 अक्टूबर को नई कैबिनेट का गठन होगा। भारत की भी नजर रहेगी क्योंकि सुनक से अब काफी अपेक्षाएं हैं। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। ऋषि सुनक लीड कर रहे हैं अब ब्रिटेन को, भारत को उम्मीदें हैं और एक अच्छी बात अर्पिता उनकी ये कि उन्होंने पूरे ब्रिटेन के सामने स्वीकार किया कि हाँ वो एक प्राउड जो है प्राउड हिंदू हैं।